हेलो एवरीवन, आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। इस कड़ी में हमने लास्ट टर्न पर आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बताया, डिफरेंट उसके वेरिएशंस और क्या क्या समस्याएं हैं, लिमिटेशंस भी बताई। उन समस्याओं के समाधान के लिए फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमाल से जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की समस्याएं थी उनसे निजात पाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें क्यों समस्याएं नहीं होती हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, ये सारी बातें आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे। स्टूडेंट, इस बीच आशा करते हैं कि आप सभी जो मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे आपको पसंद आ रहे होंगे, आप इसको लाइक जरूर करेंगे, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आपका सहयोग बहुत जरूरी है मेरे इस काम को आगे ले जाने के लिए और आशा करते हैं आप इसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे और इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आज के अपने लेसन को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट देखिए, जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कुछ बेसिक बातें पहले पढ़ लें। देखिए, ये जो एसाइल ग्रुप होता है, ये एसाइल ग्रुप क्या है, RCO, ये देखिए इसको हम लोग एसाइल ग्रुप बोलते हैं, RC डबल बॉन्ड, इस ग्रुप को एसाइल बोलते हैं। आप R के स्थान पर मिथाइल यूज कर लीजिए, इथाइल यूज कर लीजिए, कोई भी आप अल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं, आप यहां पर कोई अराइल ग्रुप भी यूज कर सकते हैं। तो R एक जनरल हमने यहां पर इसको सिंबल लिखा है, आप यहां अल्काइल भी यूज कर लो, अराइल भी यूज कर लो। कुछ एग्जाम्पल देखिए, एसिटिल, तो एसिटिल में हमने देखिए मिथाइल जब यूज करते हैं तो इसका कॉमन नेम एसिटिल है, जब यहां बेंजीन रिंग यूज करते हैं, फिनाइल ग्रुप यूज करते हैं तो इसका नाम बेंजोइन। ये दो आपको 99% मिलेंगे, इसलिए हमने इन दोनों का आपको बताया। अब बच्चों, जो जनरल रिएक्शन होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का, वहां पर आप देख सकते हैं आपने बेंजीन रिंग ली है, आपने अपना रिएजेंट लिया है RCOCl और यहां पर लुईस एसिड हम लोग AlCl3 इस्तेमाल कर रहे हैं। अब क्या होता है, फाइनली ये जो असाइल ग्रुप है, अभी मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे, इसका काफी डिफरेंट टाइप का मैकेनिज्म होता है, डिफरेंट होता है, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा कि वहां क्या क्या डिफरेंट बिहेवियर है अल्काइलेशन से। ये ग्रुप फाइनली जाता है और जाकर बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है और आपको यहां पर एक कीटोन मिल जाता है, आप देख सकते हैं यहां पर कीटोन आपको मिलता है। अब अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें तो देखिए यहां पर कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि यहां पर जो हम लोग लुईस एसिड यूज करते हैं AlCl3, वो हम लोग एक मोल से थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं। मान लीजिए आपने जो सबस्ट्रेट लिया है बेंजीन रिंग और जो रिएजेंट लिया है RCOCl, वो एक एक मोल लिया है, तो आपको यहां पर AlCl3 एक मोल से ज्यादा लेना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा, जबकि AlCl3 तो कैटलिस्ट होता है, तो आखिर क्यों इसको एक मोल से भी ज्यादा आप ले रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इसका समाधान हम स्टेप वन में बताएंगे। देखिए, पहला स्टेप बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है, वहां पर यह जो RCOCl है उसका जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर है ये ज्यादा बेसिक होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर ऑन क्लोरीन। क्लोरीन का लोन पेयर लेस बेसिक होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर ज्यादा बेसिक होता है, यानी इसके दिए जाने की संभावना ज्यादा होती है। और ये AlCl3 जो लुईस एसिड होता है इसके अल्मुनियम के पास वेकेंट पी ऑर्बिटल होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, तो ये लुईस एसिड होता है। तो एसिड स्वाभाविक सी बात है कहां पर अटैक करेगा, जहां पर बेसिसिटी ज्यादा है। तो बच्चों, अगर आपने ये एक मोल लिया है तो एक मोल, जो पहला एक मोल आप AlCl3 डालेंगे ना, वो Cl पर तो अटैक ही नहीं करेगा, जिस पर अटैक करने पर आपको इलेक्ट्रोफाइल मिलता वो पहले अटैक करेगा ऑक्सीजन पर,
और ऑक्सीजन का लोन पेयर एक्सेप्ट करके इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा। और ऑक्सीजन जब अपना लोन पेयर दे देगा तो इसके ऊपर एक प्लस फॉर्मल चार्ज आ जाएगा, और अल्युमिनियम जब इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा और बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। एक मोल HCl3 तो ऐसे ही खर्चा हो गया। अब आपका जो कैटायन क्रिएट करना है, इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करना है, वो तो हो नहीं पाया। उसके बच्चों क्रिएशन के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा HCl3 ऐड करना पड़ेगा। अब आपको समझ में आया क्यों एक मोल से ज्यादा लेते हैं, ये कारण होता है। तो यही हमने लिखा है इस नोट में, आप पढ़ सकते हैं जो हमने समझाया उसको लिखा है। अब देखिए, अब जो थोड़ा एक्स्ट्रा आप HCl3 लेकर रखते हैं वो अपना काम करता है कैसे। अब यहां पर तो आपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया, अब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया और इसके देने की क्षमता समाप्त हो गई, इसकी बेसिसिटी समाप्त हो गई। तो अगला बारी आता है Cl का, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अब उस एक्स्ट्रा HCl3 को डोनेट करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और जैसे ही ये डोनेट करता है बच्चों, Cl के ऊपर प्लस आ जाता है और अल्मोनियम के ऊपर माइनस आ जाता है। ऐसे ही Cl बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जब इसके ऊपर प्लस आ जाता है बच्चों तो इसके इलेक्ट्रॉन्स की जो भूख होती है वो और जबरदस्त हो जाती है। तो ये वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो Cl और कार्बन के बीच में हैं, अपनी भूख को मिटाने के लिए ये बॉन्डिंग पेयर को खींच लेता है। और जैसे ये खींचता है तो देखिए एक साथ में साइमल्टेनियस काम होता है। होता क्या है, जैसे ये खींच रहा होता है ये ऑक्सीजन और अल्मोनियम, आप बात समझें, यहां पर अब ऑक्सीजन क्या करता है, अल्मोनियम से बोलता है देखो यार नीचे कार्बन पर क्राइसिस हो रही है, अब तुम्हारे से हम इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे और उसको देंगे क्योंकि उसको जरूरत है। तो ये ऑक्सीजन यहां के ये जो बॉन्ड है इसको खींच के यहां डिलोकलाइज करता है क्योंकि इस कार्बन पर कमी हो रही होती है, क्योंकि ये Cl इलेक्ट्रॉन पेयर लेके बाहर जा रहा होता है। तो जैसे ही ये Cl बाहर जाएगा यहां पर इसके साथ मिलके AlCl4- बनाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर घिसक के आपको एक बहुत ही बेहतरीन कैटायन देगा, एसाइलियम आयन। एसाइलियम आयन, जी हां, आप देख सकते हैं यही एसाइलियम आयन अभी आगे जाकर इलेक्ट्रोफाइल का काम करने वाला है। आप देख सकते हैं इसकी खास बात, इसकी खास बात बच्चों बताएं, ये एक ऐसा कैटायन है जो इलेक्ट्रोफाइल तो होता ही है। ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है और दूसरी चीज इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसकी बहुत बड़ी विशेषता यह है, ये ऑक्टेट कंप्लीटेड एक इलेक्ट्रोफाइल है। कैसे, आप देख सकते हैं यहां पर ऑक्सीजन का भी 8 का आंकड़ा पूरा है, कैसे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, कार्बन का भी पूरा है 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, ऑक्टेट कंप्लीटेड इलेक्ट्रोफाइल है। तो यह भी आपको ऑप्शन में मार्क करना पड़ेगा, इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, AlCl4- जनरेट हो गया है और AlCl3। AlCl4- कहां से आया, यहां से Cl को एब्स्ट्रैक्ट करके आया और ये जो AlCl3 रिलीज होता है वो आपको दिख रहा है। अब बच्चों अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप जो है वो यहां पर, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, ये देखिए अब आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। ये बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है, इस कार्बन के माध्यम से ये पाई इलेक्ट्रॉन जाता है, इस कार्बन पर अटैक करता है और अपनी कोवेलेंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड ही अधिकतम बना सकता है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन जिस पर चढ़ के बैठता है उस पर माइनस आता है। तो प्लस पहले से था, ये इलेक्ट्रॉन चढ़ के बैठेगा तो माइनस एक्स्ट्रा आएगा, प्लस माइनस देखिए 0 फॉर्मल चार्ज हो गया और ऑक्सीजन पर अभी एक लोन पेयर था, ये पाई बॉन्ड आएगा तो वापस इसके पास अब 2 लोन पेयर हो जाएंगे। और जैसे ही ये पाई बॉन्ड आप डोनेट करेंगे इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। और ये कार्बोकैटायन है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसको हम लोग इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं।
अब देखिए स्टेप नंबर फोर, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स पर देखिए अभी हमने पहले AlCl4- बनाया था ना, वो कॉन्जुगेट बेस, वो एक बेस की तरह वर्क करता है। ये AlCl4- अब बेस की तरह वर्क करता है और इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है, क्योंकि बेस का काम होता है प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना। AlCl4 का ये जो Cl है, आप देख सकते कोई भी एक Cl ले लें, उसका जो लोन पेयर है वह इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से डोनेट करता है और ये प्रोटॉन ये बॉन्डिंग पेयर को छोड़ देता है और ये बॉन्डिंग पेयर डिलोकलाइज हो जाते हैं रिंग के अंदर और इस स्टेप को बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। बच्चों क्यों एरोमेटाइजेशन बोलते हैं आखिर इसे, क्योंकि यहां पर जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स था जो कि नॉन एरोमेटिक होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बच्चों क्या होता है, नॉन एरोमेटिक, उससे आप एक एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब डिलोकलाइज होता है, आप देख सकते हैं आपको यहां वापस एरोमेटिक रिंग होती है मिल जाती है, फास्ट स्टेप होता है। अब जो अगला स्टेप है वो अगला स्टेप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टेप आप नहीं सोच पाएंगे जब तक आप पढ़े नहीं होंगे और इसी पर सवाल आ गया। एक तो पहला स्टेप जो एक मोल AlCl3 जाकर कॉम्प्लेक्स बनाता है और ये पांचवा स्टेप, अभी फाइनल खत्म नहीं हुआ है रिएक्शन, ये जो एक मोल पूरा प्रोडक्ट है, एक मोल पूरा प्रोडक्ट, एक मोल AlCl3, इसीलिए एक मोल से एक्स्ट्रा लेते हैं, एक मोल AlCl3 से यहां कंबाइन कर जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर बेसिक होता है, ये बेसिक होता है, ये इसके साथ इसको ये डोनेट हो जाता है। बच्चों ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर जब डोनेट हो गया तो ऑक्सीजन पर प्लस आ गया, एल्युमिनियम पर माइनस आ गया, यहां पर ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो आपको प्रोडक्ट जब चाहिए होता है तो आप इसमें वाटर डालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसाइलेशन का लास्ट स्टेप बिल्कुल पूछा जाएगा, इसमें लास्ट में हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो लास्ट का जो स्टेप है वो बच्चों है हाइड्रोलिसिस, और ये जब हाइड्रोलिसिस होती है तब जाके आपको फाइनल कीटोन मिलता है। और ये जो AlCl3 आप देख रहे हैं जो बार बार ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये अब खत्म हो जाता है, हाइड्रोलाइज कर जाता है और यहां पर आपको AlCl3 वापस नहीं मिलता, आपको मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एसाइलेशन में जो आप एक मोल AlCl3 डालते हैं और कुछ तो कैटलिस्ट डालते हैं, वो तो आपको एज इट इज मिल गया, लेकिन जो एक मोल AlCl3 वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो बच्चों कन्वर्ट हो जाता है एक मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, और तीन मोल HCl, यहां से जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो तीन जो Cl है एल्युमिनियम के, वो तीन हाइड्रोजन से कंबाइन करते हैं वाटर के और HCl बनाते हैं, और वाटर के तीन OH एल्युमिनियम से कंबाइन करके एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ये पूरा मैकेनिज्म था, एक एक स्टेप ध्यान रखेंगे, ITJEE का फेवरेट है, कहीं से भी कोई भी सवाल फंडामेंटल पर पूछा जा सकता है। अब इसके फीचर्स की बात करते हैं, इसके बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, ध्यान लगा के पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक पॉइंट पर अनेक सवाल डिफरेंटली बनाए जा सकते हैं। पहला फीचर देखते हैं बच्चों, ये जो पहला फीचर है देखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप नेवर फाउंड। रीअरेंजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, जिसका इराडिकेशन, जिसको आपने हटा दिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। यहां पर जो एसाइल कैटायन मिलता है, RCO प्लस मिलता है, उसमें कभी भी R का डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं देखा गया, मतलब वहां रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। एक उदाहरण ले लें, यहां पर आपने ये रिएजेंट लिया लुइस एसिड के प्रेजेंस में, ये मान लीजिए फाइनली Cl निकला, बीच के स्टेप आपको बता ही चुके हैं, और ये एसाइल कैटायन बना। अब आप समझिए, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि यहां देखे हाइड्राइड शिफ्ट आपने करा दिया और यहां पर आपने 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। यहां कोई रीअरेंजमेंट मत कराइएगा, भले ही टर्शरी आप बना दें, उसके पीछे कारण है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आखिर भाई क्यों एसाइल में आप नहीं बना रहे, नहीं रीअरेंजमेंट करा रहे, उसके पीछे मैं आपको कारण बता दें। कारण बच्चों ये है,
कि जब भी आप बात करते हैं एसाइल कैटायन की, तो एसाइल कैटायन की जब आपने बात की, ये एसाइल कैटायन है आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये एसाइल कैटायन है। अब देखिए यहां पर रीअरेंजमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन का लोन पेयर इस प्लस चार्ज से कॉन्जुगेशन में है। ये प्लस चार्ज यानी यहां पर एक एम्प्टी पी ऑर्बिटल है और यहां पर लोन पेयर यानी यहां पर फिल्ड ऑर्बिटल है। ये लोन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल में डीलोकलाइज हो जाता है और इस प्रकार का आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता है। ये आपको एसाइलियम कैटायन का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये ऑक्टेट कंप्लीटेड होता है। तो बच्चों ये जो ऑक्टेट कंप्लीटेड बिहेवियर है, ये जो एसाइल कैटायन रेजोनेंस के माध्यम से जो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहा है, ये उसको इतनी स्टेबिलिटी प्रदान करता है कि उसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रीअरेंजमेंट भी तो स्टेबिलिटी के ही लिए होता है। जब उसको यही स्टेबिलिटी मिल रही है तो क्यों रीअरेंज करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखें, इसलिए ये एक बेनिफिट के रूप में आता है। अब देखिए अगला जो फीचर है, जो बेनिफिट आप बोलेंगे, बिकॉज आरसीओ इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बिकॉज देखिए आरसीओ किस प्रकार का ग्रुप होता है, आपको बता दें ये एक माइनस आई और माइनस एम ग्रुप होता है। ये दोनों हाथों से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचता है जिससे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है, और जब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो क्या अगला इलेक्ट्रोफाइल आतुरता के साथ, हायर टेंडेंसी के साथ क्या रिंग पर अटैक करेगा? नहीं। लेकिन यह समस्या थी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की, जैसे ही आप पहला एल्काइल ग्रुप लगाते थे वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इंडक्टिव से हाइपर कॉन्जुगेशन से बेंजीन को और ज्यादा रिएक्टिव बना देता था, तो इलेक्ट्रोफाइल अब बेंजीन पर अटैक ना करके इस सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर अटैक करता था, अल्काइल बेंजीन पर अटैक करता था और पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता था। लेकिन यहां पर जो RCO ग्रुप आपने लगाया है, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है। देखिए यहां माइनस एम हमने शो किया है, डबल सिंगल डबल, तो आपको किधर शिफ्ट करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ। तो जैसे ही आप इधर शिफ्ट करते हैं बेंजीन से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन की क्राइसिस हो जाती है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल जो अगला है इस पर अटैक करने से कतराता है और पॉली सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता। तो ये एक आपको एडिट बेनिफिट है, अदरवाइज आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते, दिक्कत हो जाती। अगला जो महत्वपूर्ण है कि हम लोग क्या क्या रिएजेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप RCOCl इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड इस्तेमाल कर सकते थे। अगला जो रिएजेंट आप इस्तेमाल करते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड H+, कोई भी आप HCl ले लें, HBr ले लें, तो ये H+ क्या करता है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो इसके प्रेजेंस में इस OH ग्रुप का यहां पर प्रोटोनेशन हो जाता है, यहां से वाटर सब्सट्रैक्ट करके आपको क्या मिल जाता है, एसाइल कैटायन। तो आपको लास्ट में एट द एंड ऑफ डे एसाइल कैटायन ही तो चाहिए था, तो यहां से क्रिएट हो जाता है। तो आप ये रिएजेंट देख सकते हैं एक अल्टरनेटिव। अगला जो रिएजेंट है वो एसिड एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, कोई भी आप प्रोटिक एसिड ले सकते हैं, प्रोटोनिक एसिड ले सकते हैं या लुईस एसिड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है, अगेन यहां ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आपको क्या क्रिएट करता है, एसाइल कैटायन यहां भी क्रिएट होता है। तो बच्चों यहां भी एसाइल कैटायन क्रिएट होता है। आप कीटीन ले सकते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑल्टरनेटिव रिएजेंट है, एनहाइड्राइड एक ऑल्टरनेटिव रिएजेंट है, कीटीन एक ऑल्टरनेटिव रिएजेंट है। यहां कीटीन H+ क्या करता है, इसका प्रोटोनेशन करता है और प्रोटोनेशन करने के बाद इस प्रकार से असाइल कैटायन क्रिएट होता है। यहां पर अल्काइल ग्रुप पर आके प्रोटॉन जुड़ता है और इस प्रकार से असाइल कैटायन क्रिएट होता है। तो ये तीन ऑल्टरनेटिव रिएजेंट आपके पेपर में जब भी दिखें, और खासकर जो लास्ट वाला कीटीन वाला है ये आप सोच नहीं पाएंगे, तो इसको जरूर ध्यान रखें कि यहां से भी असाइल कैटायन क्रिएट होता है। अगला जो महत्वपूर्ण फीचर है, चौथा, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन पर मान लीजिए आपने एसाइलेशन कराना है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड है और ये जो ग्रुप लगा हुआ है पहले से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, सब्स्ट्रेट सब्स्टिट्यूशन है, जो ग्रुप लगा है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है,
तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो हमेशा पैरा ही बनाइएगा, उसके पीछे कारण है। जैसे आपने मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिया, ये मिथॉक्सी ग्रुप प्लस एन ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो पर भी आ सकता था, पैरा पर भी आ सकता था, लेकिन ये जो असाइल कैटायन होता है ये बल्की होता है, भारी भरकम होता है। तो यदि आपने ऑर्थो पर लगाया तो वहां जगह के लिए आपस में प्रॉब्लम हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी। तो ऑर्थो कम बनता है, लार्ज अमाउंट में यहां पैरा बनता है। तो ये देखिए आपको मेजर प्रोडक्ट पैरा बनाना है, ठीक है। आप कोई मिथॉक्सी लगा दो, हैलोजन लगा दो, OH कोई भी ऐसा ग्रुप लगा दो, वो पैरा पर ही बनाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, जहां पर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, अगर आप सब्सट्रेट लेते हैं जहां पर मेटा डायरेक्टिंग, आपको हमने बता के रखा है जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं बच्चों, वो हमेशा हमेशा डीएक्टिवेटिंग होते हैं। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं हमेशा डीएक्टिवेटिंग होते हैं, ये नहीं देते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या, अल्काइलेशन भी नहीं देते हैं। तो जो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो ना तो अल्काइलेशन देते हैं ना तो एसाइलेशन देते हैं, ध्यान रखेंगे, एकदम नाम मात्र की बिल्कुल भी यील्ड नहीं मिलेगी आपको। तो मेटा से, और इसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्या बन सकता है, नाइट्रोबेंजीन को फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में हम लोग सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, आखिर कैसे इस्तेमाल करें? आप बोल सकते हैं यहां पर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सॉल्वेंट पर ही रिएक्ट कर देगा रिएजेंट, लेकिन बहुत दिमाग लगा के सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर आपने NO2 जो लगाया है ये डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये रिंग से इतना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कि इलेक्ट्रोफाइल कभी रिंग की तरफ आकर्षित होगा ही नहीं, इसीलिए आप सेफ साइड में हैं और इसको सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट फीचर है, एरोमेटिक अमीन्स गिव्स पुअर रिजल्ट्स ड्यू टू एन एसाइलेशन। जो एरोमेटिक अमीन्स होती है, यहां पर देखिए हमने एरोमेटिक अमीन लिया है, इनका एसाइलेशन नहीं होता है। कारण क्या आपको बता रहे हैं, ये जो एसाइल कैटायन आप प्रोड्यूस करते हैं वो कार्बन या बेंजीन रिंग पर अटैक ना करके उसको ज्यादा बेहतर लगता है नाइट्रोजन का लोन पेयर, जो ज्यादा बेसिक होता है, स्ट्रॉन्गली बेसिक होता है, मोर बेसिक होता है। तो ये मोर बेसिक होता है, इसके इलेक्ट्रॉन देने की जो क्षमता है वो रिंग से ज्यादा है, तो क्यों असाइल भाई इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्यों जाके वहां पे मांगेगा जहां पर उपलब्धता कम है? तो ये जाता है और मोर बेसिक नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को लेता है। तो बच्चों यहां आप देख सकते हैं मोर बेसिक से लेता है और इसलिए ये रिएक्शन नहीं होता है, तो इस बात को आप इंपॉर्टेंटली ध्यान रखेंगे। तो बच्चों दिस वॉज ऑल फॉर द टुडे सेशन। आज हमने आपको बताया किस प्रकार से ये जो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ये पूरा होता है, इसमें क्या क्या खूबियां होती हैं जो अल्काइलेशन में नहीं थी, सारे फीचर्स बताए, और जो हमने मैकेनिज्म बताया वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा और इसी प्रकार से आप सारे वीडियोस को मन लगा के देख रहे होंगे। बच्चों हम आपसे यही उम्मीद है कि आप इससे सीखते रहें और मेरे ये जो मैसेज है, ये जो लेसन्स है, इसको आगे प्रपोगेट करें, अपने जो भी पढ़ने वाले दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, सब में आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, यही हमारी आशा है, यही उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ, और आप अपना बेहद ख्याल रखें, मिलते हैं अगले टर्न पर कुछ और वीडियो के साथ, कुछ और लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।